नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज हम देखने वाले हैं पजल नंबर 9। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, जो आपको मतलब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है वो, कि मतलब जो नया पैटर्न है वो। तो चलिए, इससे पहले हमारे 8 पजल हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा, तो आपको जहाँ से देखना है वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा पढ़ लेते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब कुछ लोग सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, यानी हमें नंबर ऑफ पीपल नहीं बताया गया बट वो लोग नॉर्थ देखते हैं ऐसा बताया गया है। एन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, क्या बोला है? एन जो है वो चौथे नंबर, चौथे प्लेस पे बैठता है। किसके राइट में? एच के राइट में। तो मैं कंडीशन बना लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि अगर ये एच होता है और सारे नॉर्थ देखेंगे तो उसका राइट इस साइड ही होगा। 1 2 3 4, कौन बैठेगा? एन बैठेगा। उसके बाद क्या बोला है? देर इज़ वन पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एच, एच और ई के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। तो या तो ऐसा हो सकता है कि ई के एच के लेफ्ट में ही हो, या तो एच के राइट में एक छोड़ के ही हो। दो पॉसिबिलिटी होती है, तो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है हमें, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना है। नेक्स्ट, थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में 3 पर्सन बैठते हैं। अब लेफ्ट साइड देखें तो 3 पर्सन छोड़ के तो सीधा एच का प्लेस आ रहा है, तो डेफिनेटली राइट साइड ही जाना पड़ेगा कि एन, 1 2 3 और क्या आ जाएगा? ओ। ठीक है, और यहाँ पे भी एन के राइट साइड ही जाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमें एच ही मिल जाएगा। तो 1 2 3 और ओ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग्स बिटवीन ई एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ओ, क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एन, ई और एन, हमारी पहली कंडीशन में ई और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो 3 और 2, 5 लोग बैठे हैं। तो वो 5 लोग, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ओ। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है, कंडीशन का मतलब ये है कि एन और ई के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग ओ के राइट में बैठे हैं। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एन और ई के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो ओ के राइट में भी 5 प्लेस ही होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी में एन और ई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो ओ के राइट में सिर्फ एक ही पर्सन होगा। तो ये कंडीशन आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। अब लेफ्ट साइड एक छोड़ के देखे तो ई बैठा है, तो एच के राइट साइड ही देखना पड़ेगा और यहाँ पे बैठेगा ए। ठीक है, और एच यहाँ पे है, राइट साइड देखे तो ई बैठा है, तो लेफ्ट साइड ही हमें देखना पड़ेगा, एक छोड़ के कौन होगा? ए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड सिट्स टू द राइट ऑफ ए, क्या बोला है? क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब मान लो कि अगर ये टी है तो उसके लेफ्ट में 1 2 3 कौन बैठा है? क्यू। और क्या बोला है? क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड सिट्स टू द राइट ऑफ ए, एंड मतलब क्या है? ये एंड के बाद वाला स्टेटमेंट जो है ना, सिट्स टू द राइट ऑफ ए, वो क्यू के लिए है। ठीक है, एंड के बाद वाला स्टेटमेंट क्यू के लिए है, तो क्यू जो है वो ए के राइट में बैठता है। अब ऐसा नहीं बोला है कि इमीडिएट राइट में, ए के राइट में, मतलब ए के राइट में कहीं पे भी बैठता है क्यू। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो मैं अभी कुछ नहीं करता, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? 6 पर्सन इज सिट्स बिटवीन ए एंड क्यू, हमारा क्लू मिल गया, 6 लोग बैठे हैं ए और क्यू के बीच में। ठीक है, तो 6 लोग दोनों ओर हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट साइड ही हो या राइट साइड ही हो, तो ए और क्यू के बीच में। बट हाँ, हमारे पास कंडीशन है कि ए के राइट में ही क्यू बैठेगा, तो हमें राइट में ही 6 लोग देखने पड़ेंगे। तो ए यहाँ पे बैठा है, तो 6 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 छोड़ के कौन बैठेगा? क्यू। और क्यू यहाँ पे बैठा है, तो 2 छोड़ के टी भी बैठ जाएगा, तो टी का भी हम बिठा देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 5 6 बैठेगा क्यू, और 2 छोड़ के टी को बिठाने जाएंगे, बट ऑलरेडी ओ बैठा है तो हम ओ को तो उठा सकते नहीं, तो अल्टीमेटली हमारी ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। आगे कंडीशन पढ़ते हैं। बोथ टी एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर, टी और एल इमीडिएट नेबर्स हैं। तो अब टी यहाँ पे बैठा है, तो एल जाहिर है कि दोनों साइड बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है या तो यहाँ भी बैठ सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, अब मान लेता हूँ मैं इस एल को सही मानता हूँ, अगर ये एल सही है तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट जाएंगे, तो 1 2 3 क्या
बैठ पाएगा? नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी ओ बैठा है, तो यहाँ पे एल नहीं बैठ पाएगा। तो हम एल को यहाँ कंसिडर करेंगे और उसका लेफ्ट 1, 2, 3 कौन बैठेगा? यहाँ पे आर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में जितने लोग बैठे हैं, कोई बैठा ही नहीं है, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में बैठे हैं, तो ई के लेफ्ट में भी कोई नहीं बैठा। अल्टीमेटली ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई और हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। तो अरेंजमेंट इतना ही है, बाकी की पॉसिबिलिटी हम रफ कर दे रहे हैं ताकि हमें आंसर देने में और पॉसिबिलिटी हंट करने में आसानी रहे। तो चलिए अब इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो, रो में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं? तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 लोग बैठे हैं क्या? ऑप्शन में 16 है, ऑफकोर्स ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ जेड इज सिट्स बिटवीन ए एंड एन, जेड बैठता है अगर ए और एन के बीच में, मैं मार्कर बदल लेता हूँ ताकि हमने जो भी एडिट किया है वो आपको पता चल जाए। If Z sits between A and N, then find how many person sits between H and Z. H और Z के बीच में कितने लोग बैठे हैं? Z यहाँ पे है, H यहाँ पे है, H और Z के बीच में दो person हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। What is the position of E with respect to N? हमें E की position चाहिए किसके respect में? N के respect में। तो N के respect में अगर हम देखें तो उसके left में है कितने place? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 टू द लेफ्ट। क्या ऑप्शन में 6 टू द लेफ्ट अवेलेबल है? ऑफ कोर्स अवेलेबल है, ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में पर्सन कितने बैठे हैं? क्यू यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, अगर गिनती करें तो 3 पर्सन बैठे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एल। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में फोर्थ प्लेस पे कौन है? ओ कहाँ पे? हमारा ओ यहाँ पे है, उसके राइट में यानी इस साइड फोर्थ प्लेस, 1, 2, 3, 4 कौन बैठा है? टी बैठा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, टी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो वाला एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो ले आऊँ तो आपको उसका सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।